नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा महाभारत का, हरियाणा का जो प्राचीनतम महाकाव्य है या फिर जो हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति माना जाता है, सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। लगभग 1 लाख से अधिक जो श्लोक हैं इसके अंदर हैं। तो आज हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे और महाभारत के बारे में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपके लिए ज़रूरी हैं। तो हमने यहाँ पे क्या है, जो मेन जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, सिर्फ उन्हीं बातों को लिखा है और हम उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करेंगे, उन्हीं बातों का हम जिक्र करेंगे वीडियो में। और हाँ, और एक दो दिन में, जैसे पहली वीडियो में भी हमने बताया था कि वे हम जो हरियाणा है और जो इंडिया है उन दोनों के करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आने वाले हैं जल्द ही, और साथ में जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 ज़िले हैं हरियाणा के, उनको भी साथ साथ में लेके चलेंगे। रोज़ाना एक दो डिस्ट्रिक्ट हम साथ साथ में करते चलेंगे ताकि जो आपकी हरियाणा जीके हैं वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके। तो उसके बाद हम सेंट्रल जीके हैं उसको करेंगे। तो इस प्रकार बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, तो या फिर HSSC SSC की CGL की तैयारी करने के लिए, तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है आपका महाभारत का। तो महाभारत है, महाभारत को सबसे पहली बात तो यही है, जो हिंदू संस्कृति है उसकी बहुमूल्य संपत्ति माना जाता है। जो महाभारत है हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति, अगर आपसे पूछ ले तो कौन होगा, महाभारत होगी। तो उसके बाद क्या है, हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ, हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ, सबसे प्राचीन जो महाकाव्य है हरियाणा का या फिर हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य जो संपत्ति है, ये कभी भी पूछ ले आपसे तो क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा महाभारत। हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले तो कौन होगा, महाभारत होगा। हिंदू धर्म में जो महाभारत है उसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और जो 5वां वेद है किसे माना गया है, महाभारत को माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार 5वां वेद किसे माना गया है, महाभारत को माना गया है। नेक्स्ट है आपका, यह कृति प्राचीन इतिहास की एक गाथा है। जो आपका महाभारत है ये क्या है, ये प्राचीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की एक क्या है, गाथा है। जो महाभारत है, महाभारत को लिखा किसने था, महाभारत का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, महाभारत को लिखा था वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा था। और इनके पिता का नाम क्या था, प्रासर था। अगर पूछ ले आपसे एग्जामिनर महाभारत में दूसरा कृष्ण किसको कहा जाता है, तो दूसरा कृष्ण कहा जाता है यानी कि आपका महर्षि वेदव्यास को। दूसरे कृष्ण की संज्ञा महाभारत में किसको दी गई है, वो वेदव्यास को दी गई है। पिता कौन थे, प्रासर थे, और महाभारत को यानी रचयिता कौन है, वो है आपका वेदव्यास। अब जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र होता है महाभारत में, तो उनमें जो 24 अवतार थे ऐसा माना गया है महर्षि जो वेदव्यास थे उनके नामों का भी जिक्र मिलता है। अब अगर लेखांकन कार्य पूछ ले, लेखांकन कार्य पूछा गया है एग्जाम में, तो लेखांकन किसने किया था, गणेश ने किया था। रचयिता वेदव्यास थे, लेखांकन कार्य किसने किया था, वो किया था गणेश ने। अब जो महाभारत का युद्ध तिथि है, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 900 BC में। जो महाभारत का युद्ध था कब लड़ा गया था, ये 900 BC में लड़ा गया था, ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कई जो बुक है वहाँ पे 950 BC दे रखा है, बट HSSC ने क्या माना है, 900 BC माना है। तो आपने भी जो महाभारत के युद्ध की तिथि है वो 900 BC ही करना है। आधार क्या था इस युद्ध का, इस युद्ध का आधार था कौरव और पांडवों के मध्य जो आपसी संघर्ष था, यानी कि आधार क्या था, कौरवों और पांडवों के मध्य जो लड़ाई हुई थी उसका जिक्र यहाँ पे मिलता है। और जो युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था, राज्य और जो संपत्ति सत्ता है उसके बंटवारे को लेकर युद्ध हुआ था। इसमें कौरवों की हार हुई थी, पांडवों की जीत हुई थी। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, यह आपको सभी को पता है। महाभारत का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। बट क्वेश्चन क्या बनता है, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम मिलता है बर्मा की यज्ञ वेदी। जो कुरुक्षेत्र है, महाभारत का युद्ध वहाँ पर लड़ा गया था, और कुरुक्षेत्र का ही मतलब चयन किया गया था लड़ाई के लिए, वो किसके द्वारा किया गया था, वो श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। ये तीनों प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र का अन्य नाम आपसे पूछ ले तो बर्मा की यज्ञ वेदी होगा, और लड़ाई के लिए पूछ ले कुरुक्षेत्र का चयन किसके द्वारा किया गया था, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
किया गया था। और महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। जीत कौरव पांडवों की हुई थी, कौरवों की हार हुई थी। कब हुई थी, कब हुआ था ये युद्ध? 900 BC में हुआ था। और जो युद्ध है, युद्ध का कारण क्या था? राज्य व सत्ता का बंटवारा। अब जो नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ भी किसे माना गया है? वो माना गया है आपका महाभारत का। सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ आपसे पूछ ले, हिंदू संस्कृति की भूमल्य संपत्ति आपसे पूछ ले, हिंदू धर्म में पंचम वेद पूछ ले, हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ पूछ ले, उस सभी का आंसर क्या आएगा? वो सभी का आंसर आएगा महाभारत। ये सब नाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये हुए हैं आपके महाभारत के लिए। अगर आपसे श्लोक पूछ ले महाभारत में, अगर श्लोक पूछ ले आपसे, तो कितने हैं? लगभग 1,00,000 श्लोक महाभारत में हैं। तो अंग्रेजी में पहला अनुवाद, अंग्रेजी में पहला अनुवाद अगर महाभारत का पूछ ले, तो कब हुआ था? वो हुआ था 1883 से लेके 1896 के बीच। जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में अगर महाभारत के युद्ध का अनुवाद पूछ ले, तो कब हुआ था? वो हुआ था 1883 से 1896 के बीच में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो किसारी मोहन गांगुली ने किया था। जो इंग्लिश में अनुवाद है महाभारत का, वो किसके द्वारा किया गया था? किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1883 से 1896 के बीच में। दूसरा अनुवाद अगर आपसे पूछ ले, वो 1895 से 1905 के बीच में किया गया था। किया किसके द्वारा था? मन्मथ नाथ के द्वारा। पहला अंग्रेजी अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली के द्वारा, दूसरा अनुवाद किसके द्वारा? 1895 से 1905 के बीच मन्मथ नाथ के द्वारा किया गया था। जो महाभारत है, महाभारत युद्ध में जीवित बचने वाला एकमात्र कौरव का नाम क्या था? वो था युयुत्सु। युयुत्सु उसका नाम था, यानी कि महाभारत युद्ध में जीवित बचा एकमात्र कौरव पूछ ले आपसे, तो उसका नाम होगा युयुत्सु। अब महाभारत के बारे में जो अन्य पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। महाभारत, अगर महाभारत का आपसे प्राचीन नाम पूछ ले, तो उसका नाम यानी कि क्या था? जय संहिता था। और जय संहिता से पहले भी इसको क्या कहा जाता था? भारत महाकाव्य कहा जाता था। यानी कि जो महाभारत है, महाभारत आपका, उसको क्या कहा जाता था पहले? उसको भारत महाकाव्य कहा जाता था। और प्राचीन जो नाम था उसका, वो क्या था? जय संहिता था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो कुल अध्याय हैं वो कितने हैं? महाभारत में कुल अध्याय हैं 18। और इस काल में हरियाणा को बहुधान्यक और बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। महाभारत में जो हरियाणा है, हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्य, जहाँ पे प्लेंटीफुल ग्रेन्स होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे क्या है, उसको प्लेंटीफुल ग्रेन्स के कारण बहुधान्यक प्रदेश कहा गया। यही जो बहुधान्यक प्रदेश है, योद्धों के द्वारा भी हरियाणा को कहा गया। तो हरियाणा के नामकरण में आपने पढ़ा, हरियाणा के बारे में जो नामकरण दिए हैं, जो हरियाणा के लिए वर्ड यूज हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपने जो महाभारत काल है, वहाँ पे हरियाणा को बहुधान्य या बहुधान्यक क्या कहा गया? बहुधान्यक प्रदेश कहा गया, यानी कि जहाँ पे प्लेंटीफुल ग्रेन्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में ही है। विष्णु के सहस्त्र जो नाम है, उनका जिक्र भी कहाँ पे मिलता है? उनका जिक्र भी आपको मिलता है महाभारत में। अब जो महाभारत है, महाभारत का ही पार्ट है भगवत गीता। महाभारत का ही पार्ट क्या है? भगवत गीता है। और महाभारत का ही भाग है, ये मान के चलो, भगवत गीता अगर आपसे पूछ ले, तो महाभारत का ही एक भाग है। और जो महाभारत है, महाभारत में कितने अध्याय हैं? अध्यायों को बोला जाता है पर्व। तो अध्याय हैं टोटल 18। और भगवत गीता में भी अध्याय कितने हैं? वो हैं आपके 18। तो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र के अंदर है। यहाँ पे गीता का उपदेश दिया गया था अर्जुन को, किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। किसके नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। यहाँ से यानी कि कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश किसको दिया गया? वो दिया गया अर्जुन को। कहाँ दिया गया? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। किसके पेड़ के नीचे दिया गया? बरगद पेड़ के नीचे। कृष्ण ने अर्जुन को बरगद पेड़ के नीचे ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। इसी से जब जो ये गीता का उपदेश दिया गया था, इसी से माना जाता है आपका जो हिंदू धर्म है, आपका जो हिंदू धर्म है और सनातन धर्म है, उन दोनों की, यानी कि हिंदू धर्म सनातन धर्म एक ही बात है, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि गीता का जो उपदेश दिया गया था, गीता के उपदेश से ही हिंदू धर्म सनातन धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। श्लोक कितने हैं? 700 है। जो महाभारत में अगर श्लोक पूछ ले, तो लगभग 1,00,000 हैं। अगर गीता में श्लोक पूछ ले, तो 700 हैं। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18वां है। अगर पूछ ले, टोटल 18 अध्याय या पर्व हैं,
गीता के अंदर, महाभारत के अंदर भी 18 है। अगर गीता में पूछ ले सबसे बड़ा पर्व या अध्याय कौन सा है, तो वो रहेगा आपका आंसर 18वां। अब गीता में मैं शब्द का, गीता में मैं शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो आपने आंसर देना है 109 बार। गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 109 बार हुआ है। जैसे आपका ऋग्वेद में है, इंद्र के लिए 250 बार प्रयुक्त हुआ है, इंद्र शब्द 250 बार प्रयुक्त हुआ है, गंगा 1 बार प्रयुक्त हुआ है, यमुना के 3 बार प्रयोग हुआ है, सभा 8 बार, समिति 9 बार, इस प्रकार से। यानी कि अगर पूछ लिया जाए गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 109 बार आपने आंसर करना है। अगर पूछ ले महाभारत का फारसी में अनुवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद कब, अनुवाद करने का आदेश कब दिए गए थे, 1582 में दिए गए थे, और अनुवाद किसने किया था, अकबर के द्वारा हुआ था, या फिर अकबर ना दे रखा हो तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा फारसी में अनुवाद 16वीं शताब्दी में महाभारत का किया था। अगर अंग्रेजी में पूछ ले तो आपने बताना है कि सारी मोहन गांगुली ने किया था, दूसरा अनुवाद मन्मथ नाथ द्वारा किया गया था, फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो महाभारत है, महाभारत के युद्ध का कारण क्या था, राज्य व सत्ता का बंटवारा। अगर कारण पूछ ले आपसे महाभारत के युद्ध का कारण क्या था, तो वो था सत्ता का बंटवारा। हार किसकी हुई थी, कौरवों की हुई थी, और जीत किसकी हुई थी, पांडवों की, आप सभी को पता है, बट एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन डाल सकता है, जीत किसकी हुई थी, पांडवों की, हार किसकी हुई थी, कौरवों की। अब यहाँ पे क्या है, महाभारत का युद्ध चला था, कितने दिन चला था, 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, और महाभारत के 13वें दिन, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, वो चला था 18 दिन चला था, और महाभारत के 13वें दिन क्या होता है, अभिमन्यु यानी कि अर्जुन का जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है चक्रव्यूह में फंसने के कारण, और लगभग यानी कि 6 महारथियों ने मिलकर इसको मारा था, ऐसा माना जाता है। तो जिक्र मिलता है 6 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, और इसी अभिमन्यु के नाम पर जो अमीन गाँव है थानेसर के अंदर, अमीन गांव है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, अभिमन्यु कर दिया गया है। और महाभारत के युद्ध में जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, योद्धा मरे थे, तो उन सभी का अंतिम संस्कार एक जगह किया गया था, तो उसका नाम है अस्थिपुर। क्या नाम है उसका, अस्थिपुर। तो अब यानी कि चक्रव्यूह की रचना कब की गई थी, युद्ध के 13वें दिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे चक्रव्यूह की रचना कब की गई थी, युद्ध के 13वें दिन की गई थी, और रचा किसने था, ये रचा था गुरु द्रोणाचार्य ने। चक्रव्यूह की रचना कब की गई थी, युद्ध के 13वें दिन की गई थी, और रचने वाले कौन थे, वो थे गुरु द्रोणाचार्य। चक्रव्यूह वाले दिन अर्जुन शस्त्र पदकों के साथ युद्ध में गए थे, जो अर्जुन है अभिमन्यु के पिता, तो वो कहाँ पर गए थे, चक्रव्यूह वाले दिन अर्जुन शस्त्र पदकों के साथ युद्ध करने गए थे, तो 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, 6 महारथियों ने मिलकर इसकी हत्या की। तो 15वें दिन क्या होता है, 15वें दिन आपका द्रोणाचार्य का वध होता है, 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु होती है, 15वें दिन क्या होता है, द्रोणाचार्य का वध होता है। अमीन गांव का नाम क्या है, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। कौरवों और पांडवों के गुरु का नाम क्या था, द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था, देहरादून में, और देहरादून का प्राचीन नाम क्या था, द्रोण नगरी, और गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही पड़ा है। अगर आपसे पूछ ले जो गुरुग्राम है उसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा है, और कौरवों और पांडवों के क्या थे, गुरु थे, और जो द्रोणाचार्य है उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म हुआ था देहरादून में, और देहरादून को पहले क्या कहा जाता था, द्रोण नगरी कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि जो बलराम है, बलराम का नाम क्या था, सकर्षण था, संकर्षण था। बलराम का नाम अगर आपसे पूछता है, संकर्षण आपने लिखना है। महाभारत में स्त्री होने वाली महिला कौन सी थी, माद्री थी, स्त्री हुई थी, यानी महाभारत में स्त्री हुई थी, पूछ लिया जाए तो माद्री करना है। बलराम का नाम अगर आपसे पूछ ले तो संकर्षण करना है। अर्जुन का अगर दूसरा नाम आपसे पूछ ले तो पार्थ या कपि धवज, आपसे पूछ सकता है पार्थ या कपि धवज किसका नाम था, तो आपने करना है अर्जुन का नाम था, और अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव था। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव था। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। महाभारत में कुल कितनी सेनाएं थी, 18 अक्षौहिणी सेना थी, और ये समाप्त हो गई थी। तो कर्ण के सारथी का नाम क्या था, कर्ण के सारथी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो था शल्य। कर्ण के सारथी का नाम क्या था, वो था आपका शल्य था। श्री कृष्ण के शंख का नाम अगर पूछ ले तो वो कौन सा था, पांचजन्य।
बलराम का नाम पूछ ले तो संकर्षण रहेगा, महाभारत में स्थित हुई थी माद्री रहेगा, अर्जुन का दूसरा नाम पार्थ या कपिध्वज रहेगा, धनुष का नाम गांडीव रहेगा, और महाभारत में कितनी सेनाएं समाप्त हुई थी, 18 अक्षौहिणी सेनाएं। कर्ण के सारथी का नाम पूछ ले तो शल्य रहेगा, श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या रहेगा, पांचजन्य रहेगा, कौरवों के पहले सेनापति भीष्म पितामह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे कौरवों के पहले सेनापति पूछे तो भीष्म पितामह रहेगा, अगर आपसे पांडवों के पहले सेनापति पूछे तो धृष्टद्युम्न रहेगा। कौरवों के पहले सेनापति भीष्म पितामह, पांडवों के पहले सेनापति धृष्टद्युम्न है। कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा किसने था, अर्जुन ने देखा था, और अर्जुन के अंतरिक्त किसने देखा था, वो देखा था संजय ने। कृष्ण का जो विराट स्वरूप था वो किसने देखा था, पहले देखा था अर्जुन ने, और अर्जुन के साथ किसने देखा था, संजय ने देखा था। अगर बलराम के नाम पर पूछ ले, बलराम के नाम पर हरियाणा के शहर बल्लभगढ़ का नाम क्या किया गया है, बलरामगढ़ किया गया है। वनवास के समय पांडवों के साथ रहे थे धौम्य मुनि, जब पांडवों ने वनवास धारण किया था, वनवास के समय जो उनके साथ थे वो कौन थे, वो धौम्य मुनि थे। तो ये पहला जो पार्ट है आपका महाभारत का, ये आपने पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप बढ़िया हरियाणा जी के और जो सेंटर जी के हैं उसकी जो वीडियो है आपको मिल सके। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल देखेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो आपने कवर कर लिया, और यहाँ पर हमने उन्हीं चीज़ों को रखा है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ओके, थैंक यू, गुड लक क्लास।